मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशील रहस्य को कहूंगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परम तत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नर्क को जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्यों को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोम हर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता, ऋषि, पितरीश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मपुत्रों से जो सुना था, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। विभू के क्षमाशील 4 शिष्य हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से क्रम परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि लोग बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सभी कहने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वाराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर और उनके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूँ। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस समय आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतकृतु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिव्रत, स्वयं, धर्म, नारायण, तरक्षु, अरुणी तथा कृतंजय, तृण, बिंदु, रूक्ष, मुनि, शक्ति, पाराशर, जातुकर्ण्य और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास हुए। अब आप लोग योगेश्वरों को क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए हैं। वराह कल्प के वैवस्वत अंतर के योगेश्वरों के अवतारों को इस समय कहता हूँ तथा पुनः औरों से कहूंगा। ऋषि बोले, इस समय आप वराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर तथा ऊर्ध्व कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोम हर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म सावर्णी, विषंग, अविषंग, शबल, वर्णक नाम के मनु हुए। आकार से लेकर औकार तक मनु कहे गए हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम्र, सुधूम्र, अपिशांग, पिशांग, त्रिवर्ण, शबल तथा कालंधु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान है तथा ये सभी शुभ हैं। वैवस्वत मनु ऋकार स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं। योगों के आवर्त में होने वाले अब मैं 7वें योगियों को कहता हूँ। प्रथम वाराह कल्प के सावते अनंतर में होने वाले योगावतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूंगा। आद्य में श्वेत, रुद्र, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण तथा लोकाक्षी मुनि, जैगी शव्यु भगवान, दधिवाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उग्र, अत्रि, सुबलक, गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखंडभूत, जटामाली, अट्ठाहस, दारूक, लाडली तथा महाकाय मुनि, शूली, दंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, चल, कुलीश नाम के संसार के गुरु ये योग में अवतार हुए। हे श्रेष्ठ व्रती ऋषियों, वैवस्वत मन्वंतर में होने वाले
परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के भी नाम कहे। अब योगाचार्यों के शिष्य प्रशिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वरों के चार शिष्य हुए, श्वेत, श्वेत शिखंडी, श्वेताशव तथा श्वेत लोहित, ये चार शिष्य हुए। इसके बाद धुंधुबी शत्रु, ऋचिक केतु, विशोक, विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरितक्रम, सनक, सनंद, सनातन, रिभु सनत कुमार, सुधामा, विरजा, शंखपाद, वैरज, मेघ, सारस्वत सुवाहन, मेघवाह, महाद्युति, कपिल, आसुरी तथा पंच शिखा मुनि, महायोगी धर्माता बालकल, महातेजस्वी, गर्ग, भृगु, अंगीरा, बलबंधु, निरामित्र, तपस्वी केतु श्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि साध्य, सर्व सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसन, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उपनाश, चैवन, बृहस्पति, उत्स्यो, वामदेव, वाच्श्रवा, सुधी, शयावाशक, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लीगक्षी, कुशुमी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान कबंध, कुशिकंधर, प्लक्ष, वाल्भ्य, यणी, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंक, श्नेत केतु, उशिक, बृहदश्व, देवल, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव, शरद्वस, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलोक, विद्युत, मंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलूकवत्स, कुशिक, गर्भमित्र, कौरुष्य आदि इतने योगेश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए हैं। ये सभी विमल, ब्रह्म भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में परायण हैं, तथा सभी पाशुपत हैं, सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं, जो पाशुपत योग को प्राप्त करके रुद्र लोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाच आदि तक सभी पशु संख्या वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इससे उन्हें पशुपति कहा गया है। अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पाशुपत योग जानना चाहिए।